नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मोटिवेशन बुद्धा चैनल में। आज हम आपके लिए कुछ गौतम बुद्ध की अनसुनी कहानियां लाए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध एक दिन वैशाली में प्रवचन दे रहे थे। विशाल जनसमूह उन्हें अत्यंत शांति और तन्मयता से सुन रहा था। कहीं कोई शोर नहीं था, मात्र बुद्ध की वाणी गूंज रही थी। बुद्ध के शिष्यों के साथ उपस्थित लोग बुद्ध के अमृत वचनों का पान पूर्ण एकाग्रता से कर रहे थे। तभी उस शांत वातावरण में खलल उत्पन्न करती एक व्यक्ति की जोरदार आवाज आई, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? बुद्ध उस व्यक्ति का चिल्लाना सुनकर भी मौन रहे। उस व्यक्ति ने पुनः चिल्लाकर यही प्रश्न पूछा। बुद्ध ने नेत्र बंद कर लिए। उनका एक शिष्य बोल उठा, भगवान बाहर खड़े अपने इस शिष्य को अंदर आने की अनुमति दीजिए। बुद्ध ने नेत्र खोलकर कहा, नहीं, यह अस्पृश्य है। शिष्यगण बुद्ध के मुंह से अस्पृश्य शब्द सुनकर विस्मित हुए और उन्होंने पूछा, वह अस्पृश्य क्यों, कैसे? भगवान, आपके धर्म में तो जात पात का भेद नहीं है। बुद्ध बोले, आज यह क्रोध में आया है। क्रोध से जीवन की एकता भंग होती है। क्रोध ही मानसिक हिंसा करता है। किसी भी कारण से क्रोध करने वाला अस्पृश्य है। उसे कुछ देर तक स्मरण कर लेना चाहिए कि अहिंसा परम धर्म है। कथा का उपदेश यह है कि क्रोध एक असात्विक भाव है जो कर्ता और भोक्ता दोनों के लिए हानिकारक होता है। अतः इससे बचते हुए शांति से विचारने व कार्य करने की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए। शांत मन और मस्तिष्क ही विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। क्रोध करने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। बुद्ध अपने शिष्यों को दे रहे थे उपदेश। तभी एक व्यक्ति को बुद्ध की बातें अच्छी नहीं लगी। वह उठा और बुद्ध का अपमान कर दिया। बुरी बातों को बार बार याद करने से हमारी परेशानियां बढ़ती हैं, मन अशांत होता है। इसीलिए दुख देने वाली बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। इस संबंध में गौतम बुद्ध का एक प्रसंग प्रचलित है। गौतम बुद्ध अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करते और अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। एक गांव में वे उपदेश दे रहे थे। बुद्ध ने कहा कि क्रोध ऐसी अग्नि है जिसमें क्रोध करने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां बैठे थे। उन लोगों में बहुत गुस्से वाला एक व्यक्ति भी बैठा हुआ था। उसे ये बातें पसंद नहीं आई। वह अचानक उठा और बोलने लगा कि बुद्ध, तुम पाखंडी हो। बड़ी बड़ी बातें करना ही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज कोई मायने नहीं रखती हैं। व्यक्ति लगातार बुद्ध को अपमानजनक बातें सुना रहा था। वहां बैठे सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि बुद्ध ये सब शांति से सुन रहे थे लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। क्रोधी व्यक्ति बुद्ध को शांत देखकर और ज्यादा क्रोधित हो गया। वह बुद्ध के पास गया और उनके मुंह पर थूककर वहां से चला गया। घर पहुंचकर क्रोधी व्यक्ति का मन शांत हुआ तो उसे अपने की पर बहुत पछतावा हुआ। वह बुद्ध से क्षमा मांगने पहुंचा लेकिन उस गांव से बुद्ध पड़ोस के गांव के लिए निकल चुके थे। वह व्यक्ति बुद्ध को खोजते हुए दूसरे गांव में पहुंच गया। वहां व्यक्ति को जैसे ही बुद्ध दिखाई दिए, वह उनके चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और क्षमा क्यों मांग रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, क्या आप भूल गए? मैंने कल आपके साथ बुरा व्यवहार किया था, आपका अपमान किया था। बुद्ध ने कहा, बीता हुआ कल मैं वहीं छोड़ आया हूं और तुम अभी भी वहीं रुके हुए हो। तुम्हें गलती पर पछतावा है, तुमने पश्चाताप कर लिया, अब तुम निष्पाप हो गए हो। बुरी बातें याद करते रहने से हमारा आज बर्बाद हो जाता है। इस आदत की वजह से भविष्य भी बिगड़ सकता है। इसीलिए बीते हुए कल की बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। मगध की राजधानी में भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने भारी तादाद में लोग जुटे और उनके अमृत वचनों से लाभान्वित हुए। थोड़े दिनों बाद बुद्ध ने अगले शहर जाने का विचार किया। अगले दिन के प्रवचन की समाप्ति पर बुद्ध ने वहां से जाने की घोषणा कर दी। यह सुनकर नगरवासी दुखी हो गए और उनसे कुछ दिन और रुकने का आग्रह किया, किंतु बुद्ध ने उनसे क्षमा मांगते हुए इसे अस्वीकार कर दिया। नगरवासियों की इच्छा थी कि बुद्ध को कुछ न कुछ भेंट दें। बुद्ध अगले दिन अपने आसन पर विराजित हुए और भेंट देने का क्रम आरंभ हुआ। जो भी भेंट आती, बुद्ध अपने शिष्यों से कहकर एक और रखवा देते। तभी एक गरीब वृद्धा खा चुके आधे आम को लेकर आई और बुद्ध के चरणों में वह झूठा आम रखकर बोली, भगवान, मेरे पास यही समस्त पूंजी है, मैं धन्य होंगी यदि आप इसे स्वीकार करेंगे। बुद्ध ने बड़े प्रेम से उस आम को उठा लिया
नगरवासियों ने पूछा, भगवान उस आम में ऐसा क्या था कि आपने उसे स्वयं उठाकर ग्रहण किया जबकि हमारे बहुमूल्य उपहार एक और रखवा दिए। तब बुद्ध बोले, वृद्धा के पास जितनी भी पूंजी थी वह उसने अपने पेट की चिंता किए बगैर मुझे प्यार और श्रद्धा से अर्पित कर दी, जबकि तुम लोगों ने अहंकार से अपने धन का कुछ ही हिस्सा भेंट किया। तुम्हारे और वृद्धा के दान देने में अहंकार और श्रद्धा का भेद है। आशय यह है कि श्रद्धा सहित किया गया दान दाता वियाचक दोनों की आत्मा को तृप्त करता है, जबकि दान में अभिमान के शामिल होने पर वह मात्र आवश्यकता को ही संतुष्ट कर पाता है। महात्मा बुद्ध के इस प्रसंग से जाने क्या है मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति। एक बार भगवान बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान क्या इस चट्टान से बेहतर कोई है? बुद्ध ने कहा, पत्थर से कई गुणा शक्ति लोहे में होती है, इसलिए लोहा पत्थर को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर शिष्य ने पूछा, लोहे से भी कोई चीज बेहतर होगी? बुद्ध ने पुनः कहा, क्यों नहीं, अग्नि है जो लोहे को गलाकर द्रव्य रूप में बना देती है। इस पर शिष्य ने कहा, क्या अग्नि की विकराल लपटों के सामने किसी की क्या चल सकती होगी? बुद्ध ने कहा, केवल जल है जो अग्नि को शीतल कर देता है। फिर शिष्य ने पूछा, जल से टकराने की फिर किसमें ताकत होगी? फिर बुद्ध ने समझाया, ऐसा क्यों सोचते हो वत्स, इस संसार में एक से एक शक्तिशाली हैं। वायु का प्रवाह जलधारा की दिशा बदल देता है। संसार का प्रत्येक प्राणी वायु के महत्व को जानता है, क्योंकि इसके बिना जीवन का महत्व ही क्या है। जब वायु ही जीवन है फिर इससे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु के होने का प्रश्न ही नहीं उठता। शिष्य ने कहा, अब भगवान बुद्ध को हंसी आ गई। उन्होंने कहा, मनुष्य की संकल्प शक्ति द्वारा वायु भी वश में हो जाती है, मानव की यह शक्ति ही सबसे बड़ी है। यह प्रसंग बताता है कि इस दुनिया में दृढ़ संकल्प से बढ़कर कुछ नहीं है। प्राचीन सियालकोट में एक बार बौद्धों का बहुत बड़ा भिक्षु संघ आया। इस संघ को एक ऐसे वेद पाठी ब्राह्मण के विषय में ज्ञात हुआ जो इतना रूढ़िवादी था कि किसी अवैदिक पंडित की छाया भी स्वयं पर नहीं पड़ने देता था। उसे सुधारने का बीड़ा एक भिक्षु ने उठाया। अगले दिन वह अपना भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मण के घर पहुंच गया और पूछा, कुछ आहार पानी की सुविधा है? उसकी बात सुनकर घर के सभी लोग मौन रहे और उसकी ओर घृणा की दृष्टि से देखा। भिक्षु लौट आया, दूसरे दिन फिर गया और वही प्रश्न दोहराया। इस बार भी उसे चुप्पी और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। वह पुनः लौट गया। एक दिन जब वह ब्राह्मण के घर पहुंचा तो ब्राह्मण वहां नहीं था। नित्य आने जाने से ब्राह्मणी का मन पसीज गया। वह बोली, मैं तो तुम्हें आहार पानी दे दूं, किंतु पंडित जी की नाराजगी के कारण विवश हूं। भिक्षु ने कहा, कोई बात नहीं बहन, मैं अपना काम करता हूं, तुम अपना काम करो। वापस लौटते हुए भिक्षु को ब्राह्मण मिल गया। उसने भिक्षु को खूब खरी खोटी सुनाई। तब भिक्षु ने कहा, इतने दिनों तक आपके घर से कुछ नहीं मिला, किंतु आज आपकी पत्नी ने नहीं दी है, अब किसी दिन हां भी मिल जाएगा। ब्राह्मण थोड़ा शांत हुआ और बोला, यह क्रम कब तक जारी रखोगे? भिक्षु ने उत्तर दिया, जब तक जीवित हूं। उसका धैर्य देख ब्राह्मण का अहंकार पिघल गया और उसने भिक्षु से क्षमा मांगी। वस्तुतः धैर्य व सहिष्णुता के बल पर बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदला जा सकता है। दुनिया में जो तरक्की हो रही है या देश में कोई तरक्की करता है तो उसे जरूर देखना चाहिए, चाहे घर की टीम हो या बाहरी लोगों को मिलाकर बनाई हुई हो। जहां जहां अच्छे समूह बन गए वहां वहां तरक्की हो गई, ऐसा ही देखा गया है। आपके आसपास जितने लोग तरक्की पसंद हैं वो मिलकर ही काम करते होंगे, उनका टीम वर्क अच्छा होगा। एक परिवार था, वो गरीब था, खाने को कुछ नहीं था। काफी सोचा कि काम मिले मगर काम नहीं मिला। दो बच्चे थे, बीवी थी। एक दिन उन्हें विचार आया कि इस गांव में काम मिलना मुश्किल है, चलो कहीं और चलते हैं। इस इरादे से वे एक दिन गांव छोड़कर चल दिए। रात का समय था, रास्ता भी जंगली था। सोचा वृक्ष के नीचे रात गुजारी जाए। आदमी ने अपने एक लड़के को लकड़ी चुनने तथा दूसरे को पानी लाने के लिए भेज दिया तथा बीवी को चूल्हा बनाने के लिए कहा और उसने जगह साफ कर दी। चारों ने अपने अपने काम कर लिए। चूल्हा जलाया गया, पानी गर्म होने लग गया। वृक्ष के ऊपर हंस रहता था, वो सोचने लगा, यह कैसा मूर्ख है, इन्होंने चूल्हा तो जला दिया मगर इनके पास पकाने को तो है ही नहीं कुछ भी। हंस ने उनसे पूछा,
तुम्हारे पास पकाने को क्या है? वो आदमी बोला, तुझे मार के खाएंगे। हंस बोला, मुझे क्यों मारोगे? आदमी बोला, हमारे पास न पैसा है और न ही सामान, तो क्या करें? हंस सोच में पड़ गया, इन्होंने चूल्हा भी जला लिया है, सब कर्मशील हैं, मुझे तो यह खा ही जाएंगे। तो हंस बोला, अगर मैं आपको धन दे दूं तो मुझे छोड़ दोगे? घर का स्वामी बोला, हाँ छोड़ देंगे। हंस कहने लगा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें धन देता हूं। हंस उनको थोड़ी दूर ले गया और चोंच से इशारा किया और कहा कि यहां से निकाल लो। उन्होंने गड्ढा खोदा और वहां से धन निकाल लिया। हंस का धन्यवाद करके वापस अपने गांव आ गए और एक ही दिन में खूब मौज से रहने लग गए। अब उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। पंडित होसी ने देखा कि इस परिवार के पास ऐसी कौन सी चीज आ गई जो इनके पास इतना कुछ आ गया। उसने छोटे लड़के को बुलाकर सारी बात पूछ ली कि पैसा कहां से आया है। उनके भी दो बच्चे थे, उन्होंने भी ऐसी योजना बनाई और चल दिए। उन्होंने भी उसी वृक्ष के नीचे डेरा लगा लिया। आदमी ने अपने बड़े लड़के को कहा, लकड़ी लाओ, तथा छोटे लड़के को पानी लाने के लिए कहा, परंतु दोनों आनाकानी करने लगे। बीबी ने भी कहा कि मैं थक चुकी हूं। जैसे जैसे पानी लकड़ी इकट्ठी हो गई और पानी गर्म होने लगा। हंस फिर आया और बोला, तुम्हारे पास खाने को तो नहीं है तो फिर पानी गर्म कर रहे हो? आदमी बोला, तुझे मार कर खाएंगे। हंस मुस्कुरा उठा और बोला, मारने वाले तो 3 दिन पहले आए थे, तुम अपना समय खराब मत करो, घर जाओ। तुम मुझे क्या मरोगे, तुम तो आपस में ही लड़ रहे हो। जिन्होंने दूसरों को जितना होता है वे खुद नहीं लड़ते। संसार का नियम भी ऐसा ही है। जिन लोगों ने तरक्की करनी है वे मिलकर चलते हैं और आज भी संसार में उनका ही बोलबाला है। जो आपसी तालमेल में रहते हैं वे ही समाज रूपी हंस को जीत सकते हैं। एक राजा पहली बार गौतम बुद्ध के दर्शन करने अपने पास का एक अमूल्य स्वर्णाभूषण लेकर आया था। गौतम बुद्ध उस अमूल्य भेंट को स्वीकार करेंगे, इस बारे में उसे शंका थी। सो अपने दूसरे हाथ में वह एक सुंदर गुलाब का फूल भी ले आया था। उसे लगा भगवान बुद्ध इसे अस्वीकार नहीं करेंगे। गौतम बुद्ध से मिलने पर जैसे ही उसने अपने हाथ में रखा रत्न जड़ित आभूषण आगे बढ़ाया तो मुस्कुराकर बुद्ध ने कहा, इसे नीचे फेंक दो। राजा को बुरा लगा, फिर भी उसने वह आभूषण फेंककर दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ गुलाब का फूल बुद्ध को अर्पण किया। यह सोचकर कि गुलाब में कुछ आध्यात्मिकता, कुछ प्राकृतिक सौंदर्य भी शामिल है, बुद्ध इसे अस्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन फूल देने के लिए राजा ने जैसे ही अपने हाथ आगे बढ़ाए बुद्ध ने फिर कहा, इसे नीचे गिरा दो। राजा परेशान हुआ, वह बुद्ध को कुछ देना चाहता था पर अब उसके पास देने के लिए कुछ भी बचा नहीं था। तभी उसे स्वयं का ख्याल आया। उसने सोचा, वस्तुएं भेंट करने से बेहतर है कि मैं अपने आप को ही भेंट कर दूं। ख्याल आते ही उसने अपने आप को बुद्ध को भेंट करना चाहा। बुद्ध ने फिर कहा, नीचे गिरा दो। गौतम के जो शिष्य वहां मौजूद थे वे राजा की स्थिति देखकर हंसने लगे। तभी राजा को बोध हुआ, मैं अपने आप को समर्पित करता हूं, कहना कितना अहंकार पूर्ण है, मैं अपने को समर्पित करता हूं। यह कहने में समर्पण नहीं हो सकता क्योंकि मैं तो बना हुआ है, वह समर्पण कहां हुआ? इस बोध के साथ राजा स्वयं बुद्ध के पैरों पर गिर पड़ा। शेखर ने अपने दादाजी से यह सवाल पूछा, सभी भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बहुत कम लोग ही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं, अगर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो क्या करना चाहिए? शेखर स्नातक अंतिम वर्ष का छात्र है और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। उसके दादाजी प्राइमरी स्कूल से रिटायर्ड शिक्षक हैं। उन्होंने शेखर का सवाल सुनने के बाद कहा, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले खुद को असफलताओं को स्वीकार करने के लिए तैयार करना चाहिए। दादाजी का जवाब सुनने के बाद शेखर ने पूछा, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, आखिर अपने आप को असफलता के लिए तैयार कर सफलता कैसे पाई जा सकती है? शेखर का सवाल सुनने के बाद दादाजी ने कहा, इस बात को मैं तुम्हारा ही उदाहरण देकर समझता हूं। तुम इस समय प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, तुम अगले वर्ष होने वाली परीक्षाओं में बैठोगे, तुम यही सोचकर बैठोगे कि तुम्हें सफलता मिलेगी। दादाजी की बात पर शेखर ने हां में सिर हिलाया। इसके बाद दादाजी जी ने कहा, मान लो तुम अपने पहले प्रयास में असफल हो जाते हो तो तुम क्या करोगे? शेखर ने कहा, मुझे बहुत निराशा होगी, मैं तैयारी में अपनी तरफ से कहीं कमी नहीं छोड़ रहा हूं। दादाजी ने कहा, निराशा ही असफलता की जड़ डीडी अच्छा है। वह कैसे? शेखर ने सवाल किया। दादाजी बोले,
तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तैयारी मुकम्मल है, लेकिन परीक्षा तो दूसरे की इच्छा पर निर्भर है। अगर तुम पहले प्रयास में असफल होने के बाद निराश हो जाते हो तो तुम्हारी आगे की तैयारी प्रभावित होगी। अगर तुम असफलता को अपनी कमियों को दुरुस्त करने का मौका मानोगे तभी आगे की तैयारी में उन्हें दूर कर पाओगे। हर परीक्षार्थी यही सोचता है कि उसकी तैयारी पूरी है, लेकिन सफलता कुछ लोगों को ही मिलती है। ये वही लोग होते हैं जो अपनी असफलता से सीखते हैं ही और दूसरों की असफलता से भी सीखने की कोशिश करते हैं।